ये हमारा अतिथि गण है। सुंदर लग रहा है देखने के लिए। क्या क्या रोहित भाई, इसको हम लोग इस नाम से संतोष है पर इसको प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं? तो हेलो गाइज, सबको झारखंडी जोहार रहेगा। तो और आज गाइज हम लोग एग्जाम था G1 का, और एग्जाम हम लोग एग्जाम दे के हम लोग फाइनल आ चुके हैं यहाँ पे घूमने के लिए, ये धोने का फार्म हाउस के पास। और आप लोग को दिखाते हैं धोने का फार्म हाउस। हम लोग सारा फ्रेंड लोग हैं, जो कि 4-5 फ्रेंड लोग हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं इधर इससे इधर। तो भैया मेरे फ्रेंड से मिलिए। ये है संतोष। हाय दोस्तों। ये है राहुल। हाय फ्रेंड। ये है रोहित, जो कि सीसीएल में जॉब करते हैं भाई। और ये है, ये आप तो वीडियो देखे होंगे टटका वाला वीडियो में, आम वाला वीडियो में। ये है हमारा पंकज भाई। तब भाई आज बेकरी केक दुकान बता दो कहाँ पे है। केक दुकान हजारीबाग, ठीक है, किसी को लेना हो तो विजिट कर लीजिएगा मौर्या बेकरी। तो भैया आज फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं धोनी का फार्म हाउस, जो कि यहाँ पे स्ट्रॉबेरी की खेती होता है। तब भैया कैसे लग रहा है आप लोग यहाँ पे आके? बहुत ही सुहाना, अच्छा लग रहा है वातावरण। तो अभी स्ट्रॉबेरी की खेती नहीं लगा, अभी टमाटर की खेती। ओ ने रे सेल का था, गांव पैदावार करो गांव। तो भैया ये लोग बहुत अमीर लोग हैं, इसलिए इन लोगों को पता नहीं है कि टमाटर की खेती भी इस तरह होता है। उसको देख सकते हैं यहाँ पे जो लेडी लोग काम करने आते हैं, लोग सब पूछ रहे हैं कि क्या चीज का खेती लगा हुआ है। पर क्या बोले भाई ये लोग को, हाँ बहुत लंबा है। कौन सी का मशीन है भाई? ये है पता क्या करने वाला? हल चलाने वाला। हाँ, हल चलाने वाला। हल चला रहा था रे। किसी से हल चला रहा था? तो भैया यहाँ पे मुर्गा पालन भी होता है, मुर्गी उर्गी करना। हाँ, हम लोग सोचे नहीं थे कि यहाँ पे आएंगे घूमने के लिए, आज पहली बार आए घूमने के लिए और मौका मिल गया घूमने के लिए। गन्ना नहीं है यार, ये जिस टाइम हम लोग ठंडा के दिन में आए थे उस टाइम हम लोग को नहीं घुसने को मिला था। आज हम लोग फाइनल घुस चुके हैं। तालाब वालाब बन रहा है, पता नहीं क्या बन रहा है, क्या बंगाल इसमें क्या बोल सकते हैं, क्या बन रहा होगा? डोभा इसको बोलते हैं, मछली पालन के लिए। हमको लगता है मछली पालन के लिए बन रहा होगा। बहुत रिक्वेस्ट के बाद हम लोग घुसने को मिला है। यहाँ आने के बाद थोड़ा सा आराम से रहिएगा, क्योंकि ज़्यादा गहरा है। देहाती लोग के लिए तो बहुत कम है, लेकिन टाउन वाले लोग के लिए बहुत समस्या है। भाई बात तो सही है इधर इतना गहरा है कि कहना नहीं है। इधर में कुछ इस टाइप से बना हुआ है, जो कि इधर अंदर में मोटर वोटर लगा हुआ है, मशीन वशीन। ये हमारे अतिथि गण है। और यहाँ सोफा पर बना हुआ बैठने के लिए, और इनको भी। हाँ, धन्यवाद। किस लिए भाई, किस लिए? मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बता जाता है? घर चिकना ना, 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 हमारे अतिथि को बैठने के लिए। बहुत ही यूनिक बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है, सुंदर लग रहा है देखने के लिए। क्या क्या रोहित भाई, क्या बोलना चाहोगे इसके बारे में? लकड़ी टेबल है, पूरा अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल है, आराम, डिजाइन भी अच्छा है। अच्छा, देखने में पूरा फुल कंफर्टेबल। ये तो बैठा नहीं है पहले, बोल रहा अच्छा लग रहा है, देखने में मन लग रहा है कि ऊपर से अच्छा है। इसको हम लोग इस नाम से संतोष है पर इसको प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं? वेलकम टू भाई, वेलकम टू भाई, वेलकम टू। हाँ हाँ, ये तालाब पे पता नहीं क्या किया जाता है, शायद पटवन रोड के तालाब के रहेगा। यहाँ मछली पाला जाता है, पटवन रोड किया जाता है। तालाब में पानी इकट्ठा किया गया है, इसमें जो जितना भी खेती लगा हुआ है वहाँ से सिंचाई किया जाता है, यही तालाब के पानी से पूरा जितना भी खेती लगा हुआ है। गहरा तो होगा लग रहा है। गहरा तो है भैया, बहुत गहरा। हाँ, डूब के मर जाओगे। हरामी हो बेटा। और मछली भी पालन होता है इसमें लग रहा है। ये पता नहीं क्या चीज़ का मशीन है भाई, वो सप्लाई वाला है ना, पानी पटने के लिए जाता है ये वाला। भैया जी इसमें जलाया गया है, पता नहीं
खाद उद के लिए, और इसमें कुछ खेती पे लगाया जाएगा। भैया जी इसमें अंदर में आओगे तो आप सीसीटीवी कैमरा के नजर में निगरानी में रहोगे। जो ट्रक बारे में, ट्रैक्टर है जो हमारे धोनी सर सबसे फर्स्ट टाइम आए थे, इन्हीं को चला रहे थे ये ट्रैक्टर से। जब भी आते हैं यही ट्रैक्टर चलाते हैं। अरे जैसे भी तो खुदाई बताया। जी 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 एकदम सही बोला। हमारे मेन डायरेक्टर साहब वहाँ का जो देख रेख करता है, उनका रहने के लिए घर बनाया गया है इधर। हमारे मेन डायरेक्टर साहब वहाँ का जो देख रेख करता है, उनका रहने के लिए घर बनाया गया है इधर। देख सकते वर्कर लोग भी। एग्जाम था और एग्जाम देने के बाद हम लोग जितना भी फ्रेंड लोग थे बहुत दूर दूर से आए हुए थे, और अपने ग्रुप में आके यहाँ पे डिसाइड किए हैं कि अपना क्रिकेट टीम आईपीएल टीम का विनर महेंद्र सिंह धोनी का जो फॉर्म हाउस है उसमें जाके सारा दोस्त लोग हम लोग एक अच्छा से घूमे, एंजॉय करे, और अंदर घुसे भी अच्छा भी लगा। हमारा रोहित कुमार दास जो बहुत ही ये भाई, ये हम लोग खरारी से एग्जाम देने के लाया था आज, ये सीसी में जॉब करता है, इन्हीं के द्वारा हम लोग घूमने का बहाना भी मिल गया है। यही हम लोग आपको बता देते हैं, जो अंदर का जो माहौल है बहुत ही सुंदर है, जो मौसम है बहुत अच्छा लगा घूमने के बाद। आप लोग भी आइए विजिट कीजिए और इस मौसम को मजा लीजिए। तो भैया जी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, ओरिजिनल चेहरा दिख रहा भाई। बात तो सही है। संतोष जी चमक रहे थे का। जियो जियो किधर है भाई? ये धोनी का गेट है, देखिए धोनी का गेट है। गजब बेइज्जती है। धोनी का फार्म हाउस का गेट है भाई। मैं लाता एंट्री गेट बंगड़ा।